मनस का एक और आयाम स्त्री और पुरुष के चित्त को समझ लेना साधना की अनिवार्य भूमिका है। जैसे मैंने कल कहा, स्त्री है अनाक्रमक, आमंत्रण है, आक्रमण नहीं है। पुरुष है आक्रामक, हमलावर। इसलिए पुरुष का चित्त सदा यात्रा पर है, दूसरे की सक्रिय खोज है। और आक्रामक है चित्त, इसलिए पुरुष चाहता है कि जाना जाए, पहचाना जाए, लोग जाने, प्रतिष्ठा हो, यश हो, सम्मान हो। यश की आकांक्षा आक्रमण का हिस्सा है, और जिस दिन यश की आकांक्षा नहीं होती किसी में, उस दिन ही आक्रमण शून्य हो जाता। आक्रमण के रूप अनेक हो सकते हैं। कोई तलवार लेकर आक्रमण पर निकलता है दूसरे को जीतने, कोई यही काम त्याग से भी कर सकता है, कोई यही काम ज्ञान से भी कर सकता है, कोई चित्र बना सकता है, कोई संगीत सीख सकता है, कोई तलवार चला सकता है, लेकिन आकांक्षा एक है कि दूसरे मुझे जाने, मैं जाना जाऊं, पहचाना जाऊं, सम्मानित हो। इसका अर्थ हुआ कि पुरुष का केंद्र है अहंकार। अहंकार अगर जाना ना जाए तो निर्मित ही नहीं होता। जितने ज्यादा लोग मुझे जाने उतना अहंकार निर्मित होता है। जितने ज्यादा लोगों तक मेरा प्रभाव हो, जितनी बड़ी सीमा हो उस प्रभाव की, उतना मेरा अहंकार सघन होता है। स्त्री है अनाक्रमण अर्थात समर्पण। इसे थोड़ा ठीक से समझ लें। अगर आक्रमण चाहता है कि जाना जाऊं, तो समर्पण चाहेगा कि जाना ना जाऊं, पहचाना ना जाऊं। करूं भी तो भी ये पता ना चले कि मैंने किया। समर्पण छिपना चाहता है,
समर्पण अज्ञात रहना चाहता है, समर्पण अनाम की खोज करता है, समर्पण की गहरी से गहरी आकांक्षा आक्रमण के विपरीत है। अगर समर्पण भी जाना जाना चाहे, यश चाहे, खबर चाहे कि लोग जाने कि मैंने समर्पण किया, तो जानना कि समर्पण केवल शब्द ही है, भीतर आक्रमण ही है। दूसरे के चित्त पर मेरा प्रभाव हो, यह हिंसा है, आक्रमण है। किसी को मेरा पता भी ना हो, ऐसे जीने का जो ढंग है वही समर्पण है। स्त्री का प्रेम अगर वस्तुतः स्त्री का प्रेम है तो अज्ञात होगा, इसलिए कोई स्त्री पहल नहीं कर पाती। अगर उसका किसी से प्रेम भी हो तो वो ये नहीं कह सकती कि मैं तुम्हें प्रेम करती हूं। प्रतीक्षा करेगी कि पुरुष ही उसे किसी दिन कहेगा कि मैं तुझे प्रेम करता। पहल इनिशिएटिव आक्रमण का ही हिस्सा है। स्त्री घोषणा नहीं करेगी, उसके सारे अस्तित्व से घोषणा के स्वर सुनाई पड़ेंगे, उसकी आंखों से, उसके ओठों से, उसके होने से, उसकी श्वास श्वास से घोषणा होगी, लेकिन वो घोषणा अप्रगट होगी। उसे वही समझ पाएगा जो उतने सूक्ष्म में उतने प्रेम में लीन हुआ है, अन्यथा वो दिखाई भी नहीं पड़ेगी। ये स्त्री चित्त का आयाम ख्याल में रख लें तो फिर इस सूत्र में प्रवेश आसान हो जाए। जो सम्मान और गौरव से परिचित है लेकिन अज्ञात की तरह रहता है, वो संसार के लिए घाटी बन जाता है, और संसार की घाटी होकर उसको वह सनातन शक्ति प्राप्त होती है जो स्वयं में पर्याप्त है। लाओसे की दृष्टि बड़ी उल्टी है। आमतौर से हम समझते हैं कि शक्ति होती है आक्रमण में, लाओसे कहता है शक्ति होती है समर्पण में। और आक्रमण की शक्ति को तो तोड़ा भी जा सकता है, काटा भी जा सकता है, क्योंकि आक्रमण से बड़ा भी आक्रमण हो सकता है, लेकिन समर्पण से बड़ा कोई समर्पण नहीं हो सकता। समर्पण का अर्थ ही आखिरी होता है, उससे बड़ा कुछ होता नहीं। तो आप ऐसा नहीं कह सकते कि ये समर्पण थोड़ा छोटा और ये समर्पण थोड़ा बड़ा। समर्पण का अर्थ ही पूरा है। जैसे कि आप ये नहीं कह सकते कि ये वर्तुल अधूरा, ये सर्कल अधूरा और ये सर्कल पूरा। सर्किल का अर्थ ही होता है कि वो होगा तो पूरा होगा, नहीं तो नहीं होगा। कोई अधूरा वर्तुल नहीं होता, नहीं तो वो वर्तुल ही नहीं है, वर्तुल पूरा ही होगा। ऐसे ही कोई प्रेम अधूरा नहीं होता, या तो होता है या नहीं होता, कम ज्यादा भी नहीं होता, या तो होता है या नहीं होता, कोई मात्राएं नहीं होती। समर्पण पूरा है। आप ये नहीं कह सकते किसी से कि मैं आधा समर्पण करता हूं। आधा समर्पण का क्या अर्थ होगा? आधे समर्पण का कोई अर्थ ही नहीं होता। असल में आप समझ नहीं पा रहे हैं, आप समर्पण कर ही नहीं रहे हैं, इसलिए आप कहते हैं आधा समर्पण कर दो। आप अपने को पीछे बचा ले रहे हैं, वो जो बचा हुआ है वही तो समर्पण में बाधा है। समर्पण का अर्थ है पूरा। समर्पण होता ही पूरा है, इसलिए आक्रमण से बड़ा आक्रमण हो सकता है और आक्रमण पराजित किया जा सकता है। समर्पण से बड़ा कोई समर्पण नहीं होता, इसलिए समर्पण की कोई पराजय नहीं। लेकिन हम सोचते हैं आक्रमण में है शक्ति। पुरुष का चित्त ऐसा ही सोचता है। लाओसे कहता है समर्पण में है शक्ति। लाओसे के कहने के बहुत कारण है। पहला तो ये कि समर्पण से बड़ा कोई समर्पण नहीं हो सकता। दूसरा, शक्ति अगर वस्तुता हो तो आक्रामक नहीं हो सकती, कमजोर ही आक्रमण करता है।
असल में कमजोरी ही शक्ति पे भरोसा रखती है। शक्तिशाली आक्रमण नहीं कर रहा। महावीर ने कहा है शक्तिशाली अहिंसक हो जाता है, कमजोर कभी अहिंसक नहीं हो सकता। कमजोर को तो सदा ही आक्रमण पर भरोसा रखना पड़ेगा। मैकियावेली जो कि आक्रमण के विज्ञान में गहरा गया है, वो कहता है कि आक्रमण वस्तुतः सुरक्षा का उपाय है। वो ठीक कहता है। वो कहता है कि अगर अपनी सुरक्षा चाहिए हो तो इसके पहले कि कोई आक्रमण करे तुम आक्रमण कर देना। इसकी प्रतीक्षा मत करना कि जब कोई आक्रमण करेगा तब हम सुरक्षा कर लेंगे, क्योंकि तब तुम पीछे पड़ गए, तुम एक कदम पीछे पड़ गए और आक्रमण करने वाले की संभावना बढ़ जाएगी जीतने की। तो वो कहता है सुरक्षा का एकमात्र उपाय है आक्रमण। लेकिन सुरक्षा कौन चाहता है? कमजोर सुरक्षा चाहता है, और इसलिए कमजोर आक्रामक होता है। अगर हम अपनी जिंदगी में भी देखें, अगर आप अपने भीतर भी देखें, तो जिन क्षणों में आप कमजोर होते हैं उन क्षणों में आप क्रोधी होते हैं, जिन क्षणों में आप कमजोर नहीं होते आप क्रोधी नहीं होते, जिन क्षणों में आप भयभीत होते हैं उन क्षणों में भय प्रकट ना हो जाए, इसलिए आप बड़ी अकड़ दिखलाने की कोशिश करते हैं। वो अकड़ आपकी व्यवस्था है कि आपका भय प्रकट ना हो जाए। जो भयभीत नहीं होता वो अकड़ा हुआ भी नहीं होता, जो कमजोर नहीं होता वो क्रोधी भी नहीं होता। शक्तिशाली मनुष्य कभी भी क्रोधी नहीं देखे गए। जितना कमजोर आदमी होगा उतना क्रोधी होता। लोग आमतौर से कहते हैं फला आदमी कमजोर है क्योंकि क्रोध करता है, वो उल्टी बात कह रहे हैं। क्रोध से कोई कमजोर नहीं होता, कमजोर की वजह ही लोग क्रोधी होते। लेकिन स्वभावतः परिणाम होगा, जब क्रोध करेगा तो और कमजोर होता जाएगा, क्योंकि शक्ति व्यय हो रही है, और जितना कमजोर होता जाएगा उतना ज्यादा क्रोध करता चला जाएगा। क्रोध जो है वो प्याली में आ गया तूफान, ताकत बिल्कुल नहीं है, जितनी थोड़ी बहुत है उसको दिखाए बिना कोई उपाय नहीं, उसे दिखा के कोई रास्ता बन जाए, कोई भयभीत हो जाए। और हमारी शक्ति का वास्तविक कसौटी का मौका ना आए, क्रोध उसका आयोजन है। लाओस से कहता है समर्पण है शक्ति। वो कहता है शक्ति जब होती है तो दूसरे पर आक्रमण करके उसके सामने सिद्ध नहीं करना पड़ता है, शक्ति स्वयं सिद्ध है। दूसरे को सिद्ध करने की आकांक्षा भी अपने में अविश्वास है। आमतौर से यह होता है, आप किसी बात में विचार, किसी धारणा में श्रद्धा रखते, आप की कोई मान्यता है, अगर कोई व्यक्ति उस मान्यता का खंडन करे आप तत्क्षण क्रोधित हो जाते। वो क्रोध बताता है कि आपको डर है कि कहीं मान्यता का खंडन वस्तुतः आपके मन की जो धारणा है उसे तोड़ ना दे, उस डर से क्रोध आता है। अगर ये धारणा आपका अनुभव है तो क्रोध नहीं आएगा, क्योंकि आपको भरोसा ही है कि इसे तोड़ने का कोई उपाय नहीं, ये आपका अनुभव है। जब भी आप अपने किसी विचार के लिए दूसरे को ताकत लगा के समझाने लगते हैं तो आप ध्यान रखना, आप दूसरे को नहीं समझा रहे हैं, आप दूसरे के बहाने अपने को ही समझा रहे हैं। आपको भय है, डर है, आपको खुद ही भरोसा नहीं कि जो आप मानते हैं वो ठीक है। इसलिए तथाकथित विश्वासी लोग दूसरे की बात सुनने को राजी ही नहीं होते। उनके गुरुओं ने उनको समझाया है कि कान बंद कर ले अगर कोई विपरीत बात कहता हो, क्योंकि खुद भी भरोसा नहीं, विपरीत बात भरोसे को उखाड़ दे सकती है। आप दूसरे को कन्विंस करने की,
दूसरे को राजी करने की जितनी तीव्रता से चेष्टा करते हैं उतनी ही तीव्रता से खबर देते हैं कि आपको अपने पर भरोसा नहीं। जिसे अपने पर भरोसा है वो दूसरे को प्रभावित करने के लिए उत्सुक नहीं होगा, और जिसको अपने पर भरोसा है उससे दूसरे प्रभावित होते। प्रभावित करना नहीं पड़ता, वे प्रभावित होते हैं। और जिसको अपने पर भरोसा नहीं है उसे बहुत प्रभावित करने की चेष्टा करनी पड़ती है, फिर भी कोई उससे प्रभावित नहीं होता। आत्मश्रद्धा चुंबक है। अपना अनुभव अगर गहरा और पूर्ण है तो परम शक्तिशाली दूसरे उसकी तरफ खींचे चले आते। दूसरे को आकर्षित करने का प्रयास भीतर कमजोरी का लक्षण है। तो लाओस से कहता है समर्पण शक्ति है, आक्रमण कमजोरी। एक और कारण से भी कहता है समर्पण वही कर सकता है जिसे अपने पर भरोसा है। आक्रमण तो कोई भी कर सकता है, और सच तो यह है आक्रमण वही करता है जिसे अपने पर भरोसा नहीं। समर्पण वही कर सकता है जिसे अपने पर भरोसा है। पूरा अपने को दे देने का सवाल, कौन अपने को पूरा दे सकता है? वही अपने को पूरा दे सकता है जिसका अपने पर पूरा भरोसा है। मेरे पास लोग आते हैं, वो कहते हैं हम समर्पण करना चाहते हैं लेकिन हमें अपने पर कोई भरोसा ही नहीं। तब समर्पण कैसे होगा? जिसे अपने पर भरोसा नहीं है उसे ये भी तो भरोसा नहीं है कि जो समर्पण उसने इस क्षण में किया है वो दूसरे क्षण में भी टिकेगा। उसे कल का भी भरोसा नहीं, अभी भी उसे पक्का नहीं है कि वो सच में करना चाहता है कि नहीं करना चाहता। समर्पण की घटना ही इस बात की खबर है कि व्यक्ति को अपने पर पूरी आस्था है, वो अपने को पूरा दे सकता है। पूरे का मालिक है। आक्रमण तो अधूरे से भी हो जाता है। आपको पूरा होने की जरूरत नहीं है आक्रमण में, और अक्सर आक्रमण आप पूरे नहीं होते। जब आप क्रोध कर रहे होते तब भी आपके भीतर कोई हिस्सा कह रहा होता है क्या कर रहे हो, न किए होते तो अच्छा था। क्रोध करते ही आप पछताते, वो हिस्सा जो क्रोध में सांस नहीं था वही पछताता है कि क्या किया, नहीं करना था। आक्रमण में कभी भी आप पूरे नहीं होते। ये बड़े मजे की बात है कि बड़े से बड़ा योद्धा भी भयभीत होता है, बड़े से बड़ा योद्धा भी। इंग्लैंड में कहा जाता है कि लॉर्ड नेल्सन ने कभी जीवन में भय नहीं जाना, बड़ा सेनापति था नेल्सन, नेपोलियन को हराया, कभी भय नहीं जाना। लेकिन एक मनस्विद ने नेल्सन की मनोदशा का विश्लेषण करते हुए बड़ी कीमती बात लिखी है। उसने लिखा है कि यह असंभव है कि नेल्सन ने भय न जाना, क्योंकि बिना भय के तो आक्रामक आदमी हो ही नहीं सकता। जिसको भयभीत नहीं किया जा सकता उसको क्रोधित भी नहीं किया जा सकता। जिसको भयभीत नहीं किया जा सकता उसको लड़ने के लिए राजी भी नहीं किया जा सकता। जो भयभीत नहीं होता वो दूसरे को भी भयभीत करने नहीं जाएगा। असल में अपने भय से बचने के लिए हम दूसरे को भयभीत करते हैं। जब दूसरा भयभीत हो जाता है तो हमें लगता है हमारा भय समाप्त हुआ। अगर दूसरा भयभीत ना हो तो हमारा भय बढ़ता है। उस मनस्विद ने यह भी लिखा है कि अगर ये बात सच है कि नेल्सन ने कभी भय नहीं जाना तो नेल्सन की प्रति हमारी जो धारणा है उसके एक महान योद्धा होने की वो भी समाप्त हो जाती, क्योंकि जिसने भय जाना ही नहीं उसके महान योद्धा होने का क्या अर्थ? महान योद्धा होने का तो यही अर्थ है कि
कि हमारे जैसा ही भयभीत आदमी नेल्सन भी था और युद्ध के मैदान पर ऐसे खड़ा रहा जैसे कि बिल्कुल भय ना हो, तभी तो कोई अर्थ है। एक आदमी सड़क पर खड़ा और बस आ जाए और वो डरे नहीं और खड़ा रहे, उसे भय ही ना हो और बस के नीचे कुचल के मर जाए, तो हम उसको कोई बहादुर आदमी नहीं कहेंगे, सिर्फ मूढ़ कहेंगे। बहादुरी तो भय के अनुपात में ही होती है, अगर भय ही नहीं है तो बहादुरी समाप्त हो गई, तब तो आदमी मूढ़ हो जाए और या परम ज्ञानी हो जाए जहां अभय है। लेकिन जो अभय को उपलब्ध हुआ है कभी, कोई महावीर कोई बुद्ध, वो युद्ध पर, युद्ध में उसकी उत्सुकता नहीं रह गई। युद्ध का मतलब ही है कि दूसरे को भयभीत करने की चेष्टा, और जो खुद भय नहीं जानता उससे दूसरे को भयभीत करने में कोई रस नहीं रह जाता। दूसरे को भयभीत करना अपने भय से ही बचने की व्यवस्था है। जितना ज्यादा भय होता है अक्सर आदमी उतना बाहर बहादुरी दिखाता है, वो बहादुरी भीतर के भय को संतुलित करती है, वो संतुलित करती है, वो आवरण है, वो उसका जिरह बख्तर है, वो उसकी सुरक्षा है। भीतर भय है इसलिए बाहर सुरक्षा है, भीतर भय नहीं है तो बहादुरी दिखाने का कोई कारण भी नहीं। लाओत्से कहता है समर्पण है शक्ति, क्योंकि दिखाने का वहां कोई इरादा नहीं। आक्रमण है कमजोरी, क्योंकि आक्रमण दिखावे पर निर्भर है। जो सम्मान और गौरव से परिचित है, ध्यान रहे ये बात जाननी जरूरी है, एक छोटा बच्चा है उसे सम्मान और गौरव का कोई अनुभव नहीं। अगर अभी वो अज्ञात में रहा है तो इसमें कुछ गौरव नहीं, इसमें कुछ गुण नहीं। सम्मान और गौरव से जो परिचित है वो अज्ञात में रहे तो गुण है, तो गौरव है, तो गरिमा है। अनुभव के बिना जो भी घटे वो अज्ञान में घटता है, अनुभव के साथ जो घटे वो ज्ञान में घटता है। सम्मान और गौरव से जो परिचित और अज्ञात की तरह रहता है, जिसे पता है कि गौरव का रस क्या है, जिसे पता है गौरव का अनुभव क्या है, जिसे पता है कि लोग जाने यश हो प्रतिष्ठा हो सम्मान हो तो प्रतीति क्या है, उसका एहसास क्या है, इसका जिसे पता है तो वो अज्ञात में रहे। इसे हम समझ लें दो कारणों से। एक तो जो बिना अनुभव के अज्ञात में रहे उसका अज्ञात अज्ञात नहीं है, उसे अभी ज्ञात होने का पता ही नहीं, इसलिए अज्ञात होने का कोई पता नहीं हो सकता। हमारे अनुभव द्वंद के हैं, जिसने सुख न जाना हो उसे दुख का कोई अनुभव नहीं हो सकता। इसलिए बड़ी मजे की घटना घटती है, अक्सर जिनने सुख जाना है वे सोचते हैं कि दूसरे लोग जिनको वैसा सुख नहीं मिल रहा है बहुत दुखी, वो भ्रांति, वो बिल्कुल भ्रांति है। आप अगर एक महल में रह रहे हैं तो झोपड़े में रहने वाला आदमी बहुत दुख पा रहा है रहकर, ऐसा आपको लगेगा, आपका लगना ठीक है। अगर आपको झोपड़े में रहना पड़े तो आपको दुख होगा, ये भी सच है। लेकिन झोपड़े में जो रह रहा है, जो महल में नहीं रहा है, वो दुख पा रहा है महल में न रहने का, इस भ्रांति में आप मत पड़े, वो नहीं पा सकता। दुख सुख के अनुभव के बाद ही पाया जा सकता है। जिस चीज का सुख अनुभव हो जाता है फिर उसका अभाव दुख देता है। इसलिए दुनिया में दुख बढ़ता जा रहा है क्योंकि चीजें और उनके अनुभव बढ़ते जा रहे हैं। आज से 10,000 साल पहले दुनिया में दुख कम था, ये मत सोचना कि आप लोग सुखी थे, क्योंकि अगर लोग सुखी होते तो दुख होता। दुख कम था क्योंकि सुख कम था, सुख के अनुभव से ही दुख बढ़ता है,
अब कोई 10,000 साल पहले किसी आदमी को कार के न होने का दुख नहीं हो सकता था, या कि हो सकता था, आज होगा। कार के न होने का दुख आज एक वास्तविकता है, क्योंकि कार के होने का सुख एक वास्तविकता है। 10,000 साल पहले कार के न होने के दुख का कोई उपाय ही नहीं है, क्योंकि कार के होने के सुख का कोई उपाय नहीं। सुख पहले आता है, दुख पीछे, दुख छाया है। सम्मान, प्रतिष्ठा, यश, आदर, गौरव का अनुभव हो तो ही अज्ञात के अनुभव में उतरा जा सकता है। अनेक लोग अनाम जीते हैं, इससे आप ये मत सोचना कि वे उस परम स्थिति को उपलब्ध हो गए हैं जिसकी लाओस से बात कर रहे हैं। अनेक लोग अनाम जीते हैं, लेकिन ध्यान रहे, उनका अनाम होना सार्थक नहीं है जब तक उन्हें नाम का अनुभव ना हो। नाम के अनुभव के बाद जो बिना नाम के जीने को तैयार है, उसने द्वंद को जाना और उसने द्वंद को काटा, और द्वंद जब कट जाता है तो निर्द्वंद चित्त परम आनंद को उपलब्ध होता है। लेकिन द्वंद को काटने के लिए द्वंद से गुजरना जरूरी है। इसलिए लाओस से संसार के विरोध में नहीं है, और लाओस से नाम के भी विरोध में नहीं है, सम्मान के भी विरोध में नहीं है। वो इतना ही कह रहा है कि सम्मान के अनुभव के साथ अनाम का अनुभव और अज्ञात का अनुभव भी जुड़ जाए तो तुम संसार के पार, जिसे मोक्ष कहें, मुक्ति कहें, उसमें प्रवेश कर जाते। दूसरी बात भी ध्यान रखने जैसी है, और वो ये कि जिसने ठीक से सम्मान का अनुभव जाना है वो निश्चित ही अज्ञात के अनुभव के लिए उत्सुक हो जाएगा, और जिसने सम्मान का अनुभव नहीं जाना वो कितना ही अज्ञात के अनुभव की चेष्टा करे, उसकी चेष्टा व्यर्थ जाएगी। उसका कारण है बहुत से लोग उन महलों का त्याग कर देते हैं जिनमें वो कभी रहे ही नहीं। बहुत से लोग उन पदों को लात मार देते हैं जिन पर वो कभी पहुंचे ही नहीं। आप लात कैसे मारिएगा उस सिंहासन पर जिस पर आप कभी बैठे नहीं? आप कुछ और नहीं कर रहे हैं, अंगूर खट्टे आपकी पहुंच के बाहर, आप अपने को समझा रहे हैं, सांत्वना दे रहे हैं। और तब ऐसा आदमी इस सांत्वना को भी नाम बनाने का आधार बनाएगा। ये बड़े मजे की और जटिल बात है। ऐसा आदमी जो कहेगा कि मुझे सम्मान की कोई जरूरत नहीं, नाम की कोई जरूरत नहीं, पद की कोई जरूरत नहीं, वो पद की, सम्मान की, प्रतिष्ठा की जरूरत नहीं, इसको भी प्रतिष्ठा का कारण बना है। इसको भी, जिनको हम त्यागी कहते हैं, वो क्या कर रहे हैं? वो त्याग को भी धन की तरह उपयोग कर रहे हैं। त्याग भी उनके लिए प्रतिष्ठा का कारण। अब ये बड़े मजे की बात है कि त्याग का मतलब ही एक होता है कि प्रतिष्ठा छोड़ दी, लेकिन अगर त्याग की भी प्रतिष्ठा बनाई हो तो सब व्यर्थ हो गया। लेकिन हालत ऐसी, मैं एक साधु के आश्रम में गया था, वो सब कुछ छोड़ के चले गए। सब कुछ का मतलब जो उनके पास था, बहुत ज्यादा नहीं था मगर जो भी था सब कुछ छोड़ के चले गए। उनके आश्रम में दीवानों पर मैंने जो वचन लिखे देखे वो बड़े मजेदार थे। जिस कमरे में वो बैठे थे उसकी दीवार पर लिखा हुआ था कि त्याग श्रेष्ठतम है, क्योंकि सम्राट भी त्यागी के चरणों में सिर झुका। मैंने उनको पूछा कि इस सूत्र का क्या मतलब हुआ,
त्याग की श्रेष्ठता भी इसीलिए हुई कि सम्राट भी सिर झुकाता है। इसका अर्थ हुआ कि त्याग करने योग्य है क्योंकि सम्राट को भी जो प्रतिष्ठा नहीं मिलती वो त्यागी को मिलती। अगर त्याग भी प्रतिष्ठा बन जाए तो त्याग नहीं रहा। त्याग का मतलब ही एक होता है कि प्रतिष्ठा का अब कोई अर्थ नहीं। लेकिन आप त्यागी को देखें, वो प्रतिष्ठा में इतना रस लेता है जितना कि भोगी नहीं लेता। त्यागी का सारा काम 24 घंटे एक है कि प्रतिष्ठा। भोगी कभी कभी प्रतिष्ठा में रस लेता, और भी काम है उसे। त्यागी को दूसरा काम ही नहीं है, उसको सुबह से शाम तक एक ही काम, प्रतिष्ठा। और अगर वो त्याग भी करता है इस प्रतिष्ठा के लिए तो वो त्याग व्यर्थ हो गए। असल बात यह है कि अगर सम्मान का अनुभव ना हो तो सम्मान की पीड़ा का भी अनुभव नहीं होता। अगर सम्मान का अनुभव ना हो तो सम्मान की व्यर्थता का भी अनुभव नहीं होता। अगर सम्मान का अनुभव ना हो तो सम्मान की मूढ़ता का भी अनुभव नहीं होता। पूरे अनुभव के बाद जो व्यक्ति अज्ञात में डूब जाता है वो फिर अज्ञात में डूबने को सम्मान का कारण नहीं बनाता। ये अज्ञात अब सम्मान से विपरीत आयाम हो जाता है। हम अपने को धोखा दे सकते हैं। ऐसा समझें कि आपको धन का अनुभव ना हो और आप त्यागी हो जाए, तो छिपे अचेतन में धन की आकांक्षा काम करती रहेगी, बिल्कुल काम करती रहेगी, उसमें कोई भेद नहीं पड़ेगा। और वो नए रास्ते निकालेगी और नए सिक्के गढ़ेगी। वे सिक्के बड़े धोखे के होंगे, संसार के सिक्के उतने धोखे के नहीं। सीधे साफ, संसारी होना सीधा साफ है, लेकिन संसार के बिना परिपक्व अनुभव के सन्यासी हो जाना बड़े उपद्रव की बात है, क्योंकि तब आदमी विकृत मार्गों से संसारी ही होता है। सिर्फ मार्ग बदल गए होते, ज्यादा धोखे के और ज्यादा चालाकी के हो गए होते, लेकिन संसार से कोई छुटकारा नहीं होता। अगर आपको धन का अनुभव नहीं है तो आप निर्धन होने का मजा नहीं ले सकते, सिर्फ दुख पा सकते निर्धन होने का, या निर्धन के नाम पर प्रतिष्ठा बना के सुख पा सकते, लेकिन तब आप निर्धनता का उपयोग धन की तरह कर रहे हैं। तो कुछ लोग धन का उपयोग कर रहे हैं प्रतिष्ठा के लिए, आप निर्धनता का उपयोग कर रहे हैं प्रतिष्ठा के लिए। आपके मार्ग अलग हो गए हों लेकिन आपका लक्ष्य एक है। धन के अनुभव के बाद जब कोई निर्धन होता है तो इस निर्धनता का कोई भी उपयोग नहीं करता। यह निर्धनता सिर्फ उसका आंतरिक अनुभव होती है, बाहर के जगत से इसके कारण वो कोई प्रतिष्ठा इकट्ठी नहीं करता। ये उसके लिए फिर कभी धन नहीं बनती, क्योंकि धन उसके लिए व्यर्थ हो गया है। इसलिए लाओ से कहता है, सम्मान और गौरव से जो परिचित है लेकिन अज्ञात की तरह रहता है। सम्मान और गौरव से परिचित होना बुरा नहीं है, सम्मान और गौरव में यात्रा करना भी बुरा नहीं, लेकिन वो मंजिल नहीं है, ये ध्यान रखना जरूरी है। और उस दिन की, उस क्षण की प्रतीक्षा करनी जरूरी है जिस दिन वो व्यर्थ हो जाए। इसलिए मैं आपसे कहता हूं कि धन की यात्रा बुरी नहीं है, लेकिन उस दिन की प्रतीक्षा करनी, प्रार्थना करनी और साधना भी साथ करनी है जिस दिन धन व्यर्थ हो जाए। छोड़कर भाग जाए ऐसा आवश्यक नहीं है, व्यर्थ हो जाए वो आपका आंतरिक अनुभव बन जाए। हम उल्टा कर रहे हैं। मैं एक घर में ठहरा हुआ था जिनके घर ठहरा था उनका लड़का थोड़ा उद्दंड था, जैसे कि लड़के होते,
अविनी था, तो बाप को अच्छा मौका मिला कि मेरे सामने वो उसको लताड़े सताएं। अक्सर बाप दूसरों के सामने लड़कों को सताने में रस ले, तो मेरे सामने उनके पुत्र को हाजिर किया गया। पिता बोले कि ये सुपुत्र है, मतलब था कुपुत्र है। विनय बिल्कुल नहीं। फिर उन्होंने उपदेश दिया पुत्र को कि विनयवान को ही सम्मान मिलता है। मैंने उनको पूछा, आप क्या कह रहे हैं? आप इस लड़के को पाखंडी बनाने की कोशिश कर रहे हैं, क्या कह रहे हैं? आप कह रहे हैं विनयवान को सम्मान मिलता है, आप रस जगा रहे हैं सम्मान में और विनय को उपकरण बना रहे हैं सम्मान का। आप इसको हिपोक्रेट पाखंडी बना रहे हैं। ये विनीत होगा और प्रतीक्षा करेगा सम्मान मिले, ये दिखाएगा कि मैं विनम्र हूं और आशा करेगा लोग मेरे पैर छुएं, ये कहेगा नहीं नहीं मेरे पैर मत छुओ, और इसकी पूरी आत्मा से लार टपकेगी कि जल्दी छुओ। आप इसको क्या सिखा रहे हैं? उन्होंने कहा कि आप क्या कह रहे हैं इसके सामने, ये वैसे उद्दंड है। मैंने कहा इसकी उद्दंडता फिर भी सीधी साफ, और आप जिस विनय की बात कर रहे हैं वो ज्यादा चालाकी और कनिंगनेस की बात। उद्दंड है तो उद्दंड रहने दें, उद्दंड का दुख मिलेगा, सहायता करें कि और उद्दंड हो जाए ताकि अनुभव से गुजर जाए, और दुख उठाने दें उद्दंड का, क्योंकि दुनिया में कोई किसी को अनुभव नहीं दे सकता, शब्द दे सकता है अनुभव नहीं दे सकता। इसको उद्दंड होने का दुख उठाने दें, ये सोचता है कि उद्दंड होने में सुख है, इसको सुख उठाने दें, और आप सोचते हैं कि उद्दंड होने में दुख पाएगा, दुख उठाने दें। इसके अनुभव से जिस दिन इसको दिखाई पड़ जाए कि उद्दंडता मूलता है, उस दिन जो विनम्रता आएगी वो आपकी विनम्रता नहीं होगी कि सम्मान के लिए, और मैं समझता हूं कि आपने उद्दंड होने का दुख नहीं उठाया, इसलिए सम्मान की इच्छा पीछा कर रहे हैं, और तब विनम्र होने में भी सम्मान की आकांक्षा, और तब त्याग में भी सम्मान की आकांक्षा। सम्मान की आकांक्षा भोग है, तो त्याग में सम्मान की आकांक्षा क्या होगी? तब फिर निर्धन होने में भी धन ही कमाया जा रहा है। आदमी ऐसा उपद्रव अपने साथ कर सकता है, उसी का नाम पाखंड है, और हम हमारे सारे जीवन पाखंड से भर गए, भर गए हैं इसलिए कि लक्ष्य कुछ और साधन विपरीत। इच्छा यही है कि मेरा अहंकार भरे, और आवरण ऐसा है कि मैं तो निरअहंकारी हूं। अगर कोई कह दे कि आपसे भी बड़ा निरअहंकारी कोई है तो दुख पहुंचता है। निरअहंकारी को इस बात से कैसे दुख पहुंचेगा कि उससे बड़ा भी कोई निरअहंकारी, अहंकारी को पहुंचेगा। अगर मेरे पास कोई आए और मैं कहूं कि मैं बिल्कुल निरहंकारी हूं, और वो कहे कि आप क्या निरहंकारी, हमारे पड़ोस में एक आदमी रहता है जो आपसे भी ज्यादा निरहंकारी, तो मुझे चोट पहुंचेगी। क्यों? हाँ, मैं अगर अहंकारी हूं और मुझसे ज्यादा कोई अहंकारी, तो चोट पहुंचनी चाहिए। निरहंकारी को भी चोट पहुंचती है, उससे बड़ा कोई निरहंकारी। त्यागी से कहिए कि आपका त्याग क्या, आपसे बड़ा त्यागी, देखिए चेहरे पर काली मा छा जाती। त्यागी को भी इसमें दुख होता है, तो फिर कहीं धोखा हो रहा है। निरअहंकारी तो आनंदित होगा कि बड़ी अच्छी बात है, मुझसे बड़ा कोई निरअहंकारी, तो बहुत ही आनंद की बात है। त्यागी को खुशी होगी कि मुझसे बड़ा कोई त्यागी, तो बड़ी खुशी की बात है कि दुनिया में और बड़ा त्याग भी है, लेकिन त्यागी भी दुखी होगा।
ज्ञानी भी दुखी होता है, उससे कहो कि आपसे बड़ा ज्ञानी कोई, ज्ञानी ही दुखी होता, अज्ञानी दुखी होता है क्षम में, पर ज्ञानी दुखी होता है। तो फिर अज्ञानी और ज्ञानी में फर्क कहां है? बड़े से जब तक आप दुखी होते हैं तब तक जानना कि नाम कुछ भी हो अहंकार भीतर है, आप बहाने कुछ भी खोज रहे हो अहंकार को भरने के लिए, भोजन कुछ भी दे रहे हो, दूध पर ही रखा हो शुद्ध दूध पर अहंकार को, तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता। मांसाहार करवाया हो कि दूध दिया हो कि साग सब्जी खिलाई हो, खिला अहंकार को ही रहे। त्याग खिलाया हो कि प्रतिष्ठा खिलाई हो, अहंकारी कि निरहंकारी, कौन सी यात्रा करवाई हो, लेकिन अहंकार ही यात्रा कर रहा है। लाओ से जीवन के प्रति बहुत सम्यक है, कहता है अनुभव, और अनुभव के साथ अज्ञात की तरह रहता है, वो संसार के लिए घाटी बन जाता है। और उस सनातन शक्ति को प्राप्त होता है जो स्वयं में पर्याप्त, इसे थोड़ा समझ लें, कौन सी शक्ति स्वयं में पर्याप्त होती है, ऐसा समझें कि अर्जुन बहुत बड़ा योद्धा है लेकिन दुनिया में कोई भी ना हो तो अर्जुन का सब योद्धापन खत्म हो जाए, क्योंकि अर्जुन के योद्धा होने के लिए किसी का हारना जरूरी, किसी का मरना जरूरी, किसी की पराजय आवश्यक है। अर्जुन की विजय के लिए किसी की पराजय आवश्यक है, उसकी विजय भी किसी की पराजय पर निर्भर है। यह बहुत मजे की बात है कि आपकी विजय भी किसी की पराजय पर निर्भर है, उसके बिना आप जीत भी नहीं सकते। उसके बिना आप जीत भी नहीं सकते। क्या विजय हुई है जो दूसरे पर निर्भर है? वो विजय हुई आपकी अमीरी गरीबी पर निर्भर है। अगर आसपास गरीब ना हो अमीरी का मजा चला जाता। आपको कोई सारी दुनिया का सम्राट बना दे लेकिन दुनिया में कोई और ना हो, आप अकेले हो, आप कहेंगे बाहर में चाहे ये साम्राज्य, मजा चला गया, क्योंकि मजा दूसरे पर निर्भर था। आप कितने ही बड़े महल में रहे जब तक पड़ोस में झोंपड़ा ना हो तब तक महल का मजा नहीं आता, वो महल का मजा झोपड़े में निर्भर है। किसी पर है उसका मजा इसी पर है कि किसी पर नहीं, ये बड़े उल्टी बात है। आपका सारा सुख दूसरे पर निर्भर है, आपका सारा व्यक्तित्व दूसरे पर निर्भर है। आप बड़े पंडित हैं, कुछ मूल आपको चाहिए, नहीं तो आप पंडित नहीं। मतलब पांडित्य मूढ़ता पर निर्भर है। दुनिया में मूढ़ ना हो पंडित व्यर्थ हो गए, अज्ञानी ना हो ज्ञानी दो कोड़ी के हो गए, कुरूप लोग ना हो सुंदर लोगों की कोई पूछ ना रही। तो जो सौंदर्य कुरूपता पर टिका हो वो कितना सुंदर होगा, और जो धन निर्धन की छाती पर खड़ा हो वो कितना धन होगा, और जो पुण्य पापों के बीच निर्मित होता हो उसमें कितनी पुण्यवत्ता हो सकती है। इसका मतलब यह हुआ कि सुंदर जाने अनजाने चाहता है कि दूसरे लोग कुरूप रहे, जाने या न जाने दूसरी बात, लेकिन जो चीज निर्भर दूसरों की कुरूपता पर है वो चाहेगी ही कि दूसरे लोग कुरूप रहे। सौंदर्य अगर कुरूप को चाहता है कितना सौंदर्य है उसमें। लाव से कहता है कि जो व्यक्ति द्वंद्वों के बीच समता को उपलब्ध हो जाता है, चुनाव नहीं करता, डोलता नहीं, द्वंद्वों को जोड़ के काट देता है और दोनों के बाहर हो जाता है, वो उस शक्ति को उपलब्ध होता है जो स्वयं में पर्याप्त। बुद्ध शांत हैं, उनकी शांति अशांत लोगों पर निर्भर नहीं, समझ लें। अगर दुनिया में एक भी आदमी अशांत ना हो तो भी बुद्ध की शांति में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, या पड़ेगा। बुद्ध अपने बोधि वृक्ष के नीचे शांत बैठे। यह शांति अशांत लोगों की अशांति के कारण शांति है,
अगर बुद्ध तो आंख बंद किए बैठे तो सारी दुनिया विलीन हो जाए, बुद्ध आंख खोल कर देखें कि कोई अशांति यहां दिखाई नहीं पड़ रहा तो उनको भीतर की शांति समाप्त हो जाएगी। नहीं, कोई कारण नहीं है। ये शांति किसी की अशांति पर निर्भर ही ना थी। अगर ये किसी की अशांति पर निर्भर थी तो बुद्ध को लोगों को अशांत होने के लिए समझाना चाहिए, शांत होने के लिए नहीं। क्योंकि लोग अगर शांत हो जाएंगे तो बुद्ध का क्या होगा, आत्महत्या में लगे। लोगों को समझा रहे हैं शांत हो जाओ। बुद्ध की शांति आत्मनिर्भर है। ये किसी को अशांत करके शांत होने का उपाय नहीं है, ये स्वयं को ही शांत करके शांत होने का उपाय है। बुद्ध का ज्ञान अज्ञानी पर निर्भर है, इसे कसौटी समझ लें। अगर आपका ज्ञान अज्ञानी पर निर्भर हो तो वो जानकारी है, ज्ञान नहीं है। अगर आपका ज्ञान आप पर ही निर्भर हो और दुनिया में एक भी अज्ञानी ना रहे तो भी आपके ज्ञान में कोई फर्क ना पड़े, तो ही समझना कि वो अनुभव है। अनुभव सदा ही स्वयं में पर्याप्त है। बुद्ध ने जो जाना है उसका आपके न जानने से कोई संबंध नहीं है। कोई भी ना हो इस पृथ्वी पर तो भी वो जानना ऐसे ही घटित हो जाएगा। लेकिन एक फिल्म अभिनेत्री है, वो सुंदर है, और कोई भी ना हो इस पृथ्वी पर वो सुंदर नहीं रह जाएगी। उसका सुंदर होना दूसरों की आंखों पर निर्भर था। एक राजनेता है, इस पृथ्वी पर कोई ना हो वो राजनेता नहीं रह जाएगा। उसका नेता होना अनुयायियों पर निर्भर था। एक बुद्ध बुद्ध ही होंगे, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि पृथ्वी बचती कि खो जाती, इस सारा संसार खो जाए ये कुछ भी ना हो तो भी रत्ती भर फर्क नहीं पड़ेगा। वही स्थिति जो दूसरे पर निर्भर नहीं है आत्म स्थिति है। जो स्थिति दूसरे पर निर्भर है वो पर स्थिति है, वो आत्म स्थिति नहीं है। ध्यान रखना, अपने भीतर खोज करते रहना कि आपके पास ऐसा भी कुछ है जो किसी पर निर्भर नहीं है। अगर है तो समझना कि आपके पास आत्मा है, और अगर नहीं है तो समझना कि आत्मा का आपको अभी कोई भी पता नहीं। आत्मा का अर्थ ही यह है कि जो स्वयं में पर्याप्त हो। यह सूत्र कीमती है। लाओत्से कहता है उस व्यक्ति को वह सनातन शक्ति प्राप्त होती है जो स्वयं में पर्याप्त है, और वह पुनः अनगढ़ लकड़ी की भांति नैसर्गिक समग्रता में वापस लौट जाता है। अनगढ़ लकड़ी की भांति नैसर्गिक समग्रता में वापस लौट जाता है। हम सब गढ़ी हुई लकड़ियां, कल्टीवेटेड, सुसंस्कृत। ऐसा समझे, एक बच्चा पैदा हुआ आपके घर में, वो अनगढ़ लकड़ी। अभी वो बच्चा हिंदू नहीं है, ईसाई नहीं है, जैन नहीं है, बौद्ध नहीं है, अभी अनगढ़ लकड़ी आप गढ़ना शुरू कर दिए। अगर आप जैन हैं तो आपने उस लड़के को तराशना शुरू कर दिया, जैन बनाने की कोशिश शुरू हो गई। बुला लाए किसी मुनि महाराज को आशीर्वाद दिलाने के लिए, कि ले गए चर्च में बपतिस्मा के लिए। आपने उस लड़के को काटना छाटना शुरू कर दिया, यात्रा शुरू हो गई। लकड़ी अनगढ़ नहीं, अब फर्नीचर बनेगा। आप उसकी कुर्सी टेबल कुछ बनाएंगे। लकड़ी स्वीकृत नहीं है, अनगढ़ नैसर्गिक लकड़ी स्वीकृत नहीं है। आप कुछ बनाएंगे तभी काम के, नहीं तो बेकाम का साबित हो जाएगा लड़का। आप काम का बना के रहेंगे। फिर ये लड़का 50 साल का हो गया, अब ये सोचता है मैं हिंदू हूं, ईसाई हूं, जैन। ये झूठ है, ये थोपा हुआ आरोपण है, ये बनावट है, ये ऊपर से दिया गया ख्याल है, ये संस्कार है। ये जानता है मैं इंजीनियर हूं, डॉक्टर हूं, दुकानदार हूं, कि क्लर्क हूं, कि मास्टर हूं, ये भी संस्कार है। ये जानता है कि मेरा नाम राम है, कृष्ण है, कि मोहम्मद है, ये भी संस्कार है।
ये जानता है कि मैं सफल हूं असफल हूं, ये भी संस्कार है, ये सब दूसरों ने दिए। ध्यान रहे, संस्कार मिलते हैं दूसरों से, स्वभाव आता है स्वयं से। इसलिए संस्कार से मुक्त हो जाना ही मुक्ति है, स्वभाव में गिर जाना ही मुक्ति है। स्वभाव तो अनगढ़ है, अनबना है, संस्कार गढ़ा हुआ है। संस्कार ही बंधन है। हिंदू होना बंधन है, जैन होना बंधन है, मुसलमान होना बंधन है, राम होना, कृष्ण होना, बुद्ध होना बंधन है, नाम बंधन है। धंधा, व्यवसाय, पद, उपाधि बंधन है, लेकिन वो सब जरूरी है, क्योंकि उसके बिना तो जीवन चल नहीं सकता। आवश्यक है, बुराई हो तो भी आवश्यक है। बच्चे को मां बाप कुछ तो देंगे ही, अगर न देने की कोशिश करें तो उस कोशिश में भी कुछ देंगे। कोई उपाय नहीं है। ऐसा हुआ इजिप्त के एक सम्राट, एक फैरो को ख्याल आया कि जो भी हम बच्चों को भाषा सिखाते हैं वो दी हुई है। तो उसने एक बच्चे को जन्म के बाद महल में रखवा दिया और उपाय किया कि उसको कोई भाषा सुनने का मौका न मिले, ताकि पता चल जाए कि मनुष्य की निसर्ग भाषा क्या है। वो बच्चा सिर्फ गूंगा साबित हुआ, वो बोले ही नहीं, क्योंकि कोई निसर्ग भाषा नहीं, सब भाषा संस्कार है। निसर्ग तो मौन है, ध्यान रहे, भाषा संस्कार है। उसको कोई भाषा नहीं दी गई तो वो गूंगा ही रह गया, लेकिन ध्यान रहे उसका गूंगापन महावीर का मौन नहीं है, क्योंकि उसने वाणी नहीं जानी। जिसने वाणी नहीं जानी वो मौन से कैसे परिचित होगा, वो सिर्फ गूंगा है, सिर्फ गूंगा। गूंगा होना मौन नहीं है। वाणी जिसने जानी और वाणी को जान के जिसने व्यर्थ पाया और चुप हो गया, तब मौन है। वो लड़का सिर्फ गूंगा रह गया, उसकी कोई भाषा नहीं थी। भाषा तो सिखानी पड़ेगी, हमें सभी को सिखाना पड़ेगा। लेकिन अगर साथ ये बात भी ख्याल में बनी रहे कि जो भी सिखाया जा रहा है वो बाहर से आ रहा है, जरूरी है, आत्यंतिक नहीं है, आवश्यक है, उपयोगी है, सत्य नहीं है। सत्य तो वो अनगढ़ स्वभाव है, अनछुआ, कुंवारा, अस्पर्शित, दूसरा जहां तक पहुंचा ही नहीं कभी, वही मेरी आत्मा है। तो लाओ से कहता है, ऐसा व्यक्ति जो द्वंद के बाहर हो गया वो पुनः अनगढ़ लकड़ी की भांति नैसर्गिक समग्रता में वापस लौट जाता है। वो फिर अनगढ़ लकड़ी हो जाता, टेबल कुर्सी नहीं रह जाता, हिंदू मुसलमान नहीं रह जाता, डूब जाता है उस तल पर जहां कोई संस्कार नहीं। वो पुनः असंस्कृत, नैसर्गिक, स्वाभाविक हो जाता है। उस स्वभाव का नाम ताओ है, उस स्वभाव का नाम ताओ है। उस स्वभाव को वेद में रित कहा है, उस स्वभाव को महावीर आत्मा कहते, बुद्ध उस स्वभाव को निर्वाण कहते। ये शब्दों का फासला है, लेकिन ये बात ठीक से समझ लें कि एक आपका रूप है, नाम है, ढांचा है जो दिया गया, और एक आप है जो किसी ने आपको दिया नहीं, आप है जो अन दिया है आपके भीतर। इसलिए महावीर और बुद्ध जिन्होंने ज्ञान की परम स्थिति में प्रवेश किया, उन्होंने ईश्वर को इंकार कर दिया। और करने का कारण क्या था? करने का कारण यह था कि अगर ईश्वर बनाने वाला है तब तो हमारे भीतर स्वभाव बचा ही नहीं, क्योंकि उसका तो मतलब यह हुआ कि कुछ ईश्वर बनाता है, कुछ मां बाप बनाते हैं, कुछ स्कूल का शिक्षक बनाता है, कुछ समाज बनाता है, सभी बना हुआ है, तो फिर भीतर स्वभाव का। इसलिए महावीर ने कहा कि जगत का कोई सृष्टा नहीं। ये बड़ी महत्व की बात है, ये साधारण नास्तिकता नहीं है, ये परम आस्तिकता है। क्योंकि महावीर की दृष्टि यह है कि अगर मेरा स्वभाव भी किसी ने बनाया तो वो भी मेरा स्वभाव नहीं रहा। इससे क्या फर्क पड़ता है कि बाप ने बनाया कि बड़े बाप ने जो आकाश में है उसने बनाया, इससे क्या फर्क पड़ता है?
किसी ने बनाया तो फिर मैं हूं ही नहीं, झूठ ही झूठ है, फिर कोई सत्य नहीं है। फिर सभी बाहर से आया तो भीतर क्या है? इसलिए महावीर ने कहा कि धर्म को, सृष्टा को अस्वीकार करना ही होगा, कोई सृष्टा नहीं है। लेकिन फिर भी महावीर कहते हैं व्यक्ति भगवान हो सकता है और भगवान कोई नहीं है, तब बड़ी जटिलता हो जाती है। महावीर कहते हैं भगवान कोई भी नहीं है सृष्टा के अर्थ में, जिसने दुनिया बनाई हो, जिसने आदमी बनाया हो, जिसने आत्मा बनाई हो। क्योंकि अगर आत्मा भी बनाई जाती है तो चाहे कितने ही स्वर्गीय कारखाने में बनाई जाती हो, वो वस्तु हो गई, वो आत्मा नहीं रही। महावीर कहते हैं जो बनाया ही नहीं जा सकता, अनबना है और है, वही आत्मा है। इसलिए लाओस से भी ईश्वर की बात बिल्कुल नहीं करता, सृष्टा की तरह। लेकिन महावीर कहते हैं जिस दिन कोई इस अनबने को जान लेता है वो भगवान हो जाता है। इसलिए महावीर के भगवान में और लोगों के भगवान में बुनियादी अंतर है, बड़ा कीमती अंतर है। और लोगों का भगवान सिर्फ एक बड़ा संचालक है, एक बड़े कारखाने का, और आप वस्तुओं की तरह बनाए और मिटाए जा रहे हैं। महावीर कहते हैं कि अगर कोई बनाने वाला भगवान है तो फिर जगत में धर्म का कोई उपाय ही ना रहा, क्योंकि फिर आत्मा की कोई संभावना ना रही। इसलिए महावीर की दृष्टि में सृष्टा के रूप में भगवान का होना धर्म के लिए नष्ट कर देने का कारण है, फिर धर्म का कोई उपाय नहीं, फिर सब व्यर्थ है। अगर मेरा कोई स्वभाव है अनबना, बिना किसी का बनाया हुआ, तो ही इस जगत में स्वतंत्रता, मुक्ति सार्थक शब्द है, अन्यथा व्यर्थ। लाओस से भी ईश्वर की बिल्कुल बात नहीं करता, हालांकि वो जो बात कर रहा है उससे आप ईश्वर हो जाएंगे। इसलिए एक और मजे की बात ध्यान रख लें, इसलिए महावीर कहते हैं जितनी आत्माएं हैं उतने भगवान हो सकते हैं, क्योंकि हर आत्मा जिस दिन अपने स्वभाव को जान ले उस दिन भगवत्ता को उपलब्ध हो जाए। भगवान होना आपके भीतर स्वभाव के अनुभव का नाम है। अनुगर लकड़ी की भांति आप तत्काल नीचे सरक जाते हैं अपने निसर्ग में। वो निसर्ग आपके भीतर है मौजूद अभी इसी वक्त भी, पर आप जोर से पकड़े हुए हैं अपने ढांचे को। जैसे कोई आदमी नदी में हो और किनारे से लटकती एक जड़ को वृक्ष की पकड़े हो जोर से, ऐसे आप अपने नाम को, रूप को, पद को, प्रतिष्ठा को, धर्म को, जाति को जोर से पकड़े हुए, और वही पकड़ आपको स्वभाव में नहीं गिरने देती। और आश्चर्य तो यह है कि साधारण आदमी पकड़े हो तो भी ठीक, जिनको आप महात्मा कहते हैं वो भी हिंदू हैं, वो भी जैन, वो भी मुसलमान है, वो भी ईसाई है, जिनको आप महात्मा कहते उनकी भी जाति है, उनका भी ढांचा है, उनका भी संस्कार है, वो भी अभी संस्कार को पकड़े हुए। तब इसका अर्थ ये हुआ कि हम भूल ही गए हैं स्वभाव में गिरने की प्रक्रिया। क्या है स्वभाव में गिरने की प्रक्रिया? लाओस से कहता है द्वंद के बीच कोई चुनाव नहीं, दोनों को साथ साथ स्वीकार। सम्मान मिले तो ना तो उसे पकड़ने की आकांक्षा, ना उसे छोड़ देने की आकांक्षा। सम्मान मिले तो पकड़ छोड़ दोनों की आकांक्षा नहीं, सम्मान मिलता रहे और भीतर व्यक्ति अज्ञात में खड़ा रहे जैसे है ही नहीं, तो लाओस से कहता तत्क्षण निसर्ग में गिर जाएगा। क्यों? क्योंकि ढांचे को पकड़ने की व्यवस्था द्वंद की है। हम एक आदमी को कहते हैं कि सफल हो, असफल रहे तो जीवन बेकार है, तो वो सफलता को पकड़ता है।
फिर वो असफलता को छोड़ता है, सफलता को पकड़ता है। फिर ऐसे लोग भी हैं जगत में जो असफलता को पकड़ते हैं, उसका भी कारण है क्योंकि सफलता से उन्हें भय लगता है और सफलता में झंझट, संघर्ष, उपद्रव। और भी एक मजा है कि सफलता की कोशिश करने में असफल होने का भी डर है, इसलिए वो असफलता को पकड़ लेते। वो कहते हैं कि तबीयत ही ठीक नहीं रहती, सफल क्या हो। वो कहते हैं घर में ऐसे जन्मे जहां कौड़ी नहीं है, सफल कैसे हो। वो कहते हैं शिक्षा ही नहीं मिली ठीक से, सफल कैसे हो। वो कोई बहाने खोज लेते हैं, असफलता को पकड़ लेते। फिर उनको आप सफल करने की भी कोशिश करें तो वो टिस से मस नहीं होंगे, वो हटेंगे नहीं, क्योंकि ये उनका प्राण। और डर क्या है, वो बातें इतनी असफलता की कर रहे हैं लेकिन डर केवल एक है, अगर सफल होने की चेष्टा की और असफल हो गए तो। इसलिए बहाने खोज के यहीं खड़े रहना उचित, कि ये अपने से हो नहीं सकता। एक सज्जन मेरे पास आए, वो कहते हैं कि मैं सब जानता हूं, सब समझता हूं, ठीक सुशिक्षित हैं, लेकिन इंटरव्यू देने वो कहीं किसी नौकरी में जाने में उनको बेचैनी मालूम पड़ती, तो कोई नौकरी नहीं लगती क्योंकि बिना इंटरव्यू नौकरी कैसे लगे। और वो कहते हैं कि सब मुझे मालूम है, जो भी पूछा जाता है, कोई ऐसी बात नहीं जो मुझे मालूम नहीं। 6 साल से वो भटक रहे हैं, लेकिन इंटरव्यू। तो मैंने उनको पूछा कि तुमने असफलता को जोर से पकड़ लिया है, अब तुम्हें डर है। इंटरव्यू का डर क्या है, नौकरी नहीं मिलेगी, 6 साल से नौकरी है ही नहीं, और क्या इससे बुरा होने वाला है। लेकिन एक लाभ है इसमें कि अभी तक वो किसी इंटरव्यू में असफल नहीं हुए, दिया ही नहीं, असफल होने का कोई कारण ही नहीं, तो अभी एक अकड़ है। अब वो अकड़ उनको दिक्कत दे रही कि अब दें और कहीं असफल हो जाएं। अब ऐसे वो जिंदगी भर असफलता को पकड़े रहेंगे। बहुत लोग हैं जो असफलता को पकड़ लेते, बहुत लोग हैं जो सफलता को पकड़ लेते, ये द्वंद है। कुछ लोग नाम को पकड़ लेते हैं, कुछ लोग बदनामी को पकड़ लेते हैं, क्योंकि बदनाम भी हुए तो क्या, कुछ नाम तो होगा ही, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर आप जेलखाने में जाएं और लोगों की बातें सुने तो वो एक दूसरे को बताते हैं कि किसकी बदनामी ज्यादा, तेरी क्या, कुछ भी। वहां भी पुराने घाघ और नए घाघ, और पुराने अपराधी और नए अपराधी, नए अपराधी की कोई इज्जत नहीं होती जेल खाने। पहली दफे आए हो, कोई खास तो कुछ नहीं, कितनी बार आ चुके हो। आदमी द्वंद में से कुछ भी पकड़ लेता है, लेकिन बिना पकड़े कोई उपाय नहीं, नहीं तो नीचे डूब जाएगा। लाओ से कहता है द्वंद में कुछ भी मत पकड़ना, द्वंद को ही मत पकड़ना, ना नाम को पकड़ना, ना अनाम को पकड़ना, ना संसार को पकड़ना, ना संन्यास को पकड़ना, पकड़ना मत, इसी का नाम संन्यास, पकड़ना ही मत। और धीरे धीरे द्वंद के बीच चुनाव छोड़ देना, च्वाइसलेस हो जाना, विकल्प मत बनाना। ये मत कहना कि मैं बुरे को पकड़ूंगा कि भले को पकड़ूंगा, कि पुण्य पकड़ूंगा कि पाप पकड़ूंगा, कि भोग पकड़ूंगा कि त्याग पकड़ूंगा, सब द्वंद को समझ लेना, पकड़ना मत। तो तत्क्षण व्यक्ति स्वयं में गिर जाता है, और वो जो स्वयं में गिर जाना है वही परम अनुभव है। अनगढ़ लकड़ी को खंडित करें या तराशे तो वही पात्र बन जाती है। ये बड़ी मजे की बात, लाओस से कहता है जो परम अध्यात्म में प्रवेश करता है वो बिल्कुल अपात्र हो जाता है संसार के लिए, अपात्र शब्द जरा अच्छा नहीं, अपात्र सुन के भीतर मन में भय लगता है कि अपात्र, कुछ ना कुछ तो पात्रता कहीं ना कहीं होनी चाहिए।
लाओस से कहता है कि वो अनगढ़ लकड़ी की भांति अपात्र होता है, वो जो परम में विलीन होता है उसका कोई भी तो उपयोग नहीं। लाओस से का क्या उपयोग करिएगा बताइए, किसी काम के नहीं, कोई उपयोग नहीं, कोई उपयोग है महावीर का, कोई उपयोग है, क्या उपयोग करिएगा, किसी काम में ना पड़ेंगे, बिल्कुल बेकार। मगर यही उनका उपयोग है, क्योंकि ये जो बिल्कुल ही उपयोग के बाहर खड़ा व्यक्ति है ये परम शक्ति को उपलब्ध हो जाता है, ये फिर जाता नहीं आक्रमण करने उपयोग के लिए। इसके पास जो आ जाते हैं, इसके पास जो खिंच आते हैं चुंबक की भांति, उनको हजारों हजारों उपयोग मिल जाते हैं, लेकिन ये अपनी तरफ से नहीं जाता, ये कुछ करता नहीं, ये तो बिल्कुल निष्क्रिय हो जाता। लेकिन इसकी निष्क्रियता में बड़ी क्रांतियां घटित होती हैं। इसके पास आके न मालूम कितने चिराग जल जाते हैं और ये उन्हें जलाता नहीं, और इसकी आग काफी, चिराग पास भी आ जाएं तो लपट पकड़ जाते हैं। इसके पास आके न मालूम कितने लोग अनंत सौंदर्य को उपलब्ध हो जाते हैं, लेकिन ये उन्हें तराशता नहीं, ये उन्हें सुंदर बनाता नहीं। इसकी सन्निधि, इसका संपर्क, इसकी हवा, बस इसका होना, इसका होना उन्हें बहुत कुछ दे जाता। लाओस से गुजर रहा है पास और सारा जंगल काटा जा रहा है, बड़ी प्रीतिकर कथा है और बहुत बार मैंने कही है, सिर्फ एक वृक्ष नहीं काटा जा रहा। तो लाओस से अपने शिष्यों को कहता है कि जाओ जरा पूछो इन काटने वालों से, इस वृक्ष को क्यों नहीं काटते हो। तो वो गए, उन्होंने पूछा, उन्होंने कहा ये वृक्ष बिल्कुल बेकार है, इसकी सब शाखाएं टेढ़ी मेढ़ी, तो कुछ बन नहीं सकता, दरवाजे नहीं बन सकते, मेज नहीं बन सकती, कुर्सी नहीं बन सकती, और ये वृक्ष ऐसा है कि अगर इसे जलाओ तो धुआं ही धुआं होता है, आग जलती नहीं, इसके पत्ते किसी काम के नहीं, कोई जानवर खाने को राजी नहीं, इसलिए इसे कैसे काटे। तो सारा जंगल कट रहा है, ये बर बच रहा है। लाओसे के पास जब शिष्य आए तो लाओसे ने कहा इस वृक्ष की भांति हो जाता है ताओ को उपलब्ध व्यक्ति, देखो ये वृक्ष कट नहीं सकता, क्योंकि वस्तुतः ये सम्मान पाने को सुख नहीं, एक लकड़ी सीधी नहीं, सम्मान की आकांक्षा होती तो कुछ तो सीधा रखता, सब इच्छा तिरछा है। इस वृक्ष को दूसरों को प्रभावित करने की उत्सुकता नहीं है, नहीं तो धुआं ही धुआं छोड़ता। इस वृक्ष को जानवरों तक को अनुयायी बनाने का रस नहीं है, नहीं तो कम से कम पत्तों में कुछ तो स्वाद भरता, लेकिन देखो यही भर नहीं कट रहा है, बाकी सब कट रहे। सीधा होने की कोशिश करोगे कांटे जाओगे, लाओसे ने तुम्हारा फर्नीचर बनेगा, सिंहासन पर लगते हो कि साधारण क्लर्क की कुर्सी में लगते हो और बात, लेकिन फर्नीचर तुम्हारा बनेगा, और जो तुम्हें फर्नीचर बनाने को सुख है वो तुमको समझाएंगे कि सीधे रहो नहीं तो बेकार साबित हो जाओ। अगर तुमने उनकी मानी तो तुम कहीं ईंधन बन के जलोगे, सब ईंधन बन के जल रहे हैं। लोगों से पूछो क्या कर रहे हो, वो कह रहे हैं हम बच्चों के लिए जी रहे हैं, उनके बाप उनके लिए जी रहे थे, उनके बच्चे उनके बच्चों के लिए जिएंगे, तुम ईंधन हो, तुम किसी और के लिए जल रहे हो। लाओसे ने कहा छोड़ो फिक्र, ईंधन मत बनना। और लाओसे ने कहा कि देखो इस वृक्ष के नीचे 1000 बैलगाड़ियां ठहर सकती, ये वृक्ष किसी को बुलाता नहीं, लेकिन इसकी घनी छाया है, हजारों लोग इसके नीचे रुकते, ये वृक्ष बिल्कुल बेकार है, पर हजारों थके हुए विश्राम पा लेते, ये वृक्ष कोई उन्हें छाया देना चाहता है ऐसा भी नहीं, इस वृक्ष ने तो एक ही नियम बना रखा है, मालूम होता है कि जो नैसर्गिक है उसमें ही रहूंगा, कुछ गड़बड़ नहीं करूंगा। ताओ को उपलब्ध व्यक्ति ऐसा ही हो जाता, हजारों लोग उसके नीचे छाया पाते, वो छाया देता नहीं, आया उसके नीचे होती है,
लकड़ी को काटें छांटें तो पात्र बन जाती है। ज्ञानी के हाथों में पड़कर लोग भी पात्र बन जाते हैं, अभिजात को उपलब्ध होते, शासन करने वाले बन जाते। इन द हैंड्स ऑफ द सेज द बिकम द ऑफिशियल्स एंड द मजिस्ट्रेट्स। अगर आप ज्ञानियों के हाथ में पड़ जाएं, शिक्षकों के हाथ में पड़ जाएं, तो आपको डॉक्टर, इंजीनियर, मिनिस्टर, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति बन जाने का मौका मिलेगा। वो आपको पात्र बना देंगे, योग्य पात्र बना देंगे जो किसी काम आ सके। लेकिन लाओस से कहता है, किंतु महान शासक खंडन नहीं करता। बट द ग्रेट रूलर डजंट कट अप। लेकिन महान शास्ता, महावीर, बुद्ध, कृष्ण जैसा महान शास्ता, वस्तुतः जो शासक है, राजा से मतलब नहीं है, शास्ता से मतलब है, वस्तुतः जिसकी छाया में शासन फलित हो जाता है, जो कुछ करता नहीं, जिसकी मौजूदगी शासन बन जाती, जो आदेश नहीं देता लेकिन जिसका होना, जिसका ढंग आदेश बन जाता, जिसकी मुद्रा, जिसका हिलना डुलना आदेश बन जाता, ऐसा महान शास्ता किसी को काटता पीटता नहीं, खंडित नहीं करता, तराशता नहीं। वस्तुतः ऐसा महान शास्ता आपके तरासेपन को छीन लेता है, आपके खंडन को अलग कर देता है और आपको अखंड में गिरने की सुविधा जुटा देता है। अखंड का मतलब है गैर तरासा हुआ, अनरिफाइंड। बड़ी उल्टी बातें लगेंगी, लाओस से रिफाइंड के खिलाफ, अनरिफाइंड के पक्ष में, तरासने के खिलाफ, अनगढ़ के पक्ष में, संस्कार के खिलाफ, संस्कार शून्यता के पक्ष। लेकिन संस्कार शून्यता तभी आती है जब संस्कार घटित हो जाता। इसलिए इस दुनिया में दो तरह के शिक्षक, हमने उनके लिए अलग अलग नाम दिए हैं। एक को हम शिक्षक कहते हैं, दूसरे को हम गुरु कहते हैं। शिक्षक तराशता है, गुरु फिर अंतरासे में भेज देता है। पश्चिम के पास दो शब्द नहीं है, क्योंकि पश्चिम के पास टीचर, शिक्षक एक ही शब्द। तराशना, सुसंस्कार करना, पात्र बनाना, बस यही शिक्षा है। हमने पूरब में एक और शिक्षा भी जानी जो परम शिक्षा है, जो जब सब शिक्षकों का काम पूरा हो जाता है तो परम शिक्षक का काम, गुरु का काम शुरू होता है। वो फिर अंतरास्ता है, फिर जोड़ता है, टूटे को फिर इकट्ठा करता है, बनाए को फिर मिटाता है, पात्र को फिर अनगढ़ लकड़ी में डाल देता है और सारे संस्कार, सारे समाज को छीन कर वापिस फिर निसर्ग में डुबा देता है। उस निसर्ग में डूब जाना निर्वाण। आज इतना है, 5 मिनट रुके, कीर्तन करें। Thank you.
Thank you.